हेलो फ्रेंड्स, तो क्या हाल चाल हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, हमने अभी मक्की की कटाई लगी थी। अभी तो हमने सारे मक्की काट के ख़त्म कर दिए हैं खेत, ये देख सकते हैं आप। तो अभी हम जो मक्की का जो एक एक डंडा होता है पौधा, उसको काट कर हम एक गड्ढा बनाते हैं। उसका मतलब एक इकट्ठा करके, ऐसे में मैं आपको बताता हूँ गड्ढा कैसा होता है। सकते हैं इसे बोलते हैं गड्ढा, जो सभी टहनियों से बना है मक्की ही। और फिर जो गड्ढों का जो जोड़ बनता है, उसे इस तरह कुछ गोल गोल करके चारों ओर लगाते हैं खेत में। ये देखिए कुछ इस तरह, क्योंकि जब भुट्टे में से जब मक्की निकालनी होती है, भुट्टा निकालना होता है, तो उसके बाहर आपको पता ही है कि ये एक तरीके का लगा होता है पत्ता सा, देखिए। हाँ, तो ये इसलिए लगा होता है, जब इसको खोलेंगे, इसमें से भुट्टा निकालेंगे, तब आसानी हो जाए इसे यहाँ पर रखने के लिए। जैसे अभी दादाजी और मैं आ गए हैं, सुबह के 7 बज रहे हैं इस वक्त। तभी हम दोनों आए हैं भुट्टे को निकालने। तो और ये औजार होता है एक किस्म का, ये देखिए, इसे बोलते हैं हम अपनी भाषा में सूआ। वैसे सूआ ही होता है ये, बांस से बना होता है। उसको डाटी से आगे से नुकीला करके, ताकि ये जो भुट्टे का जो उपला हिस्सा है, इसमें ऐसे करके ऐसे कर सके। दादे करे उपला ऐसे बिखोर देते हैं, ताकि सभी भुट्टे निकल जाएं आसानी से। तभी देखिए ऐसे, जिस तरह इस सूए से आसानी हो जाती है निकालने के लिए। तो अभी हमने थोड़ी कल शाम को भी निकाली थी, ये खोल कर रख ली थी, और कुछ अभी निकालेंगे। तो रात को बहुत ज़्यादा तूफान आया था, तो उससे जो हमने कल जो गड्ढे खोले थे भुट्टे, तो वो देखिए किस तरह बिखर गए हैं खेतों में। ये देख सकते हैं, इनका भी ऐसा झुंब लगाया था हमने खोल कर, देखिए पूरे बिखर गए हैं। ये देख सकते हैं आप, ये है हमारी देसी छल्ली। वैसे हिंदी में इसे भुट्टा बोलते हैं और हम छल्ली बोलते हैं। और जैसे अगर ये पत्ते में बंद होगी कुछ इस तरह, जैसे ये है, तो इसे बोलते हैं बूग। और देख सकते हैं बारिश के बाद मौसम कितना अच्छा हो गया है, देख सकते हैं। रात को 2-2:30 बजे बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी और तूफान, और आज आसमान में थोड़ा बहुत बादल भी है, इसकी वजह से यार धुंध भी नहीं पड़ी। वरना सुबह 9 बजे तक तो अभी भी धुंध पड़ी जा रही है, अभी से धुंध लग पड़ी पड़ने, 9 बजे तक पड़ जा रही थी, पर आज नहीं पड़ी है। अभी आगे आगे जैसे जैसे सर्दियां बढ़ रही हैं, उस तरह हमारी जो धुंध पड़ती है वो 12 और 1 बजे के बीच में उठती है, तब तक पड़ी रहती है। और ये जो ये भी हमने कल खोले थे गड्ढे, तो इनका भी झूम लगा के रखा था, तो ये भी सारे गिर गए हैं। तो अभी फ्रेंड्स, मैंने एक गड्ढा खोल दिया है, और ये है, इसे मैं बैठने के लिए रख लेता हूँ। तो अभी इस पर बैठकर अगला गड्ढा खोलेंगे मैं और दादाजी। इससे क्या होता है कि जल्दी हो जाता है अगर 2 लगे हों तो। इस तरह घूमती है वो, तो इसके अंदर भी बंद करके रख देते हैं। और ये देखिए कितनी ज़्यादा चींटियाँ हैं इधर, मेरे ऊपर भी चढ़ गई थी, देख सकते हैं। जैसे ये है भुट्टा, इसे ऐसे करेंगे सुए से, बीच से गड़ेंगे ऐसे ऐसे, फिर इसे ऐसे तोड़ के ढेर में फेंक देंगे। तो फ्रेंड्स, अभी हमने इतनी छलियाँ खोल दी हैं, देख सकते हैं। और अभी दादाजी ने अपने लिए अलग गड्ढा फेंक लिया है, उसे खोल रहे हैं, और मैं और बड़ी मम्मी अपना खोल रहे हैं, ये देख सकते हैं। और अगर आपको किसी को गड्ढे चाहिए होंगे तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं अपना संपर्क नंबर आपको बता दूंगा।
तो उसके आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स हमने एक झूम बूम ख़त्म कर दिया है उसमें से छलियाँ निकाल के, तो देखिए इतना ज़्यादा ढेर लगा है हमारी छलियों का। फ्रेंड्स अभी हमने नीचे वाले खेत के जो गड्ढे थे वो हमने खोल दिए हैं अब सारी छली, तो अभी हम आए हैं ऊपर वाले खेत में, तो यहाँ पर भी हमने ये इतने सारे गड्ढे खोल दिए हैं। देखिए लगा है हमारी छली का ढेर। तो अभी मैं चला हूँ घर, तो अभी ये सामान लेके मैं चल पड़ा हूँ घर। तो इसमें चाबी है घर की, क्योंकि सभी खेत आए हुए थे तो ताला लगा कर ही आते हैं खेत। और यहाँ पर हमारे ताई जी भी छली खो रहे हैं, खोड़ी बैठे करो। इधर हमें दादी जी मिली मुझे, तो उन्होंने बोला कि ये मेरा टंडे का गड्ढा है, इसे मेरे गाय तक पहुंचा दो, मैं घास लेके आऊंगी। तो मैंने बोला ठीक है दे दो। और यहाँ पर देखिए सारे खेत खाली हो गए हैं, सभी लोगों ने मक्की काट दी है और यहाँ पर झुंब लगाए हुए हैं सभी लोगों ने। तो इस तरह की जैसे मैंने अभी टंडा उठाया है गड्ढा अपने सिर के ऊपर, तो इस तरह की हम मदद कर देते हैं गाँव वालों की जो बूढ़े व्यक्ति होते हैं, और आपको भी करनी चाहिए। तो यहाँ पर दादी जी का टंडा हमने जो गड्ढा था वो यहाँ पर रख दिया है। और यहाँ पर ये है इनकी छोटी सी बच्ची बछड़ी गाय की, और ये है गाय, देख सकते हैं कितने सुंदर है। फ्रेंड्स मैं खेत से आ गया हूँ और मैं चला हूँ अपने गोड़ की तरफ, मुझे बोला था कि जो हमारी भैंस है उसे पानी पिलाना है। तो यहाँ पर लोगों ने घर में लाए हैं छली, लोगों ने घर में भी रख ली है। तो यहाँ पर ये है हमारी भैंस और ये है इसकी बच्ची कट्टी, जो आपने पहले देखी थी हमारी किट्टी थी उसे हमने बेच दिया है, और उसके बदले में हमने ये भैंस ले ली है और इसके साथ ये कट्टी। तो अभी इसको पानी पिलाएंगे बड़ी वाली को, ये तो पानी पीती नहीं है, ये अभी छोटी है, तो चलो तो इसको पानी पिलाता हूँ। तो फ्रेंड्स अभी ये है इसकी बाल्टी पानी पीने की, ये देखिए अभी ये पानी पी रही है। तो फ्रेंड्स अभी इसको पानी पिला दिया है और अब मैं चलता हूँ घर। तभी मैं घर आ गया, तभी ताला खोलते हैं, तो अभी हम घर में पहुँच गए। तो अभी हम रेस्ट करेंगे, उसके बाद मैं जाऊँगा दोपहर के बाद, अभी टाइम हो रहा है 12:30। फ्रेंड्स अभी मैं घर से चल पड़ा हूँ खेत, तो अभी ये खाना भी बना लिया है मम्मी ने, अभी इसे लेकर चला हूँ, चलो तो चलते हैं। फ्रेंड्स अभी हम खेत पहुँच चुके हैं और ये लाया हूँ मैं खाना सर पर उठा करके तहले में। यहाँ पर ये पतलू लाए हैं हम पत्तल, और ये है कुकर, इसमें है चावल, तो अभी खाते हैं। तो अभी हम सब खेत में ही खाना खाएंगे, फिर ये जो छड़ियाँ हैं भरेंगे, फिर ट्राले में लेंगे घर को। तो खेत में खाना खाने का मज़ा ही बहुत आता है। तो अभी चावल के साथ दाल भी डाल दी है प्लेट में, चलो तो अभी खाते हैं। तो फ्रेंड्स अभी ये जो छली का ढेर है इसे हम अब ये जो बोरी है इसके अंदर भरते जाएंगे, तो सारी में आना। तो फ्रेंड्स अभी ये जो छली का ढेर है इसको हम बोरी में डाल रहे हैं, तभी एक एक करके सभी बोरियों को भरेंगे, फिर ट्राले में इसे घर में छोड़ेंगे, एक एक करके सभी बोरियों को भरेंगे हम, फिर उसके बाद घर में छोड़ेंगे। तभी भर लेते हैं। फ्रेंड्स अभी मैं ट्राले में हूँ, हमने जो छलियाँ थी छलियों के बोरू को हमने ट्राले में रख लिए हैं, तो यही है ट्राला, ट्राले में बोरू हैं। और अभी हम घर पर भी पहुँच गए हैं, ये देखिए। तो फ्रेंड्स अभी हम खेत से आ चुके हैं और हमने सारी छलियाँ जो हैं वो घर में रख ली हैं लाकर, तो अभी हम बहुत ज़्यादा थक गए हैं। तो आज का ब्लॉग इतना ही था, अगर आपको ब्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद और जय भारत।